नमस्कार। क्या हाल चाल है? सब ठीक हैं? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अपनों और अपने को ख्याल रखो, और जब टाइम मिले तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखो। तैसी देख पिगर ब्रेक पिगर लाग लपेट, बिल्कुल तैसी अंदाज में। आज बात होगी बसपा सुप्रीमो के खिलाफ। जो विरोधी हैं वो सवाल उठा में कि मायावती के जीते जी उन्होंने अपनी मूर्ति बनवा दी, पार्क बनवा दिए, पैसा खर्च कर दिए, और जन क्या 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 पता ना, जन क्या क्या बोलते रहे। तो आज यही पे बात होगी। और करें तो रामलीला, और बसपा सुप्रीमो करे तो दंगल। ऐसे कैसे चल जाएगी? ये तो गलत है ना। अच्छा, और यहाँ में बुराई क्या है? चलो पहले आ जाओ, पूरी खबर पे आ जाओ। क्या दलित नेतान को सम्मान नहीं है नो चाहिए? क्या दलित नेतान के सम्मान में उठाए गए कदम पे सियासत होनी चाहिए? क्या अगर कई दलित नेता की मूर्ति स्थापित करवाई जाए तो यह पे सियासत करनो उचित है? बताओ उचित है? दरअसल गे कछु ऐसे प्रश्न हैं जिनके उत्तर तलाशने की कोशिश करी जाए तो और भी कई प्रश्न उभर के सामने आ जाएं। मैं सो या लिया कह रहा हूँ, क्योंकि जब 2007 से 2012 के बीच उत्तर प्रदेश में मायावती की सरकारी तो शहरन के सौंदीकरण के लिया पार्क बनवाए गए, और साथ ही काशीराम और मायावती के सम्मान में उनकी मूर्तियां स्थापित करी गईं। अब भला या में गलत क्या है? क्या शहरन में या तो पहले पार्क नहीं बनवाए गए? क्या या तो पहले कभी काई नेता की मूर्ति स्थापित नहीं करी गई? फिर भी विडम्बना देखो, या को लेके मायावती के खिलाफ उनके विरोधी ने मोर्चा खोल दियो, जम के राजनीति हैं लगी। अब ऐसे में ये प्रश्न स्वाभाविक है जावे है कि क्या मायावती दलित समाज के आम हैं या लिया उन पर निशानों कसेंगे लोग? या को उत्तर स्वाभाविक रूप से हाँ में ही मिलेगो? आप हाँ में ही उत्तर दोगे या को? अगर काशीराम और मायावती की मूर्ति स्थापित करनो गलत है तो फिर दूसरे नेतान की मूर्ति स्थापित करनो सही कैसे है सके है? प्रश्न तो ये भी पूछो गयो है कि मायावती ने खुद मुख्यमंत्री रहते हुए अपनी मूर्ति कैसे स्थापित करवा ली? तो फिर यह प्रश्न को उत्तर क्या होगो कि पीएम रहते हुए गुजरात में बनाए गए स्टेडियम को नाम नरेंद्र मोदी के नाम पे कैसे रख दियो गयो, जब स्टेडियम को नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पे रखो जा सके है और वो सही है? और अगर कई दलित नेता की मुख्यमंत्री रहते हुए मूर्ति स्थापित करी जाए तो वो गलत कैसे है सके? बताओ कैसे गलत है सके वो? सच तो ये है कि मायावती दलित हैं या लिया उन पे तरह के सवाल या तरह के सवाल उठा में हैं लोग, और सवाल भी कोई लोग उठा में हैं जो प्रधानमंत्री मोदी के नाम पे स्टेडियम बनाए जाने को सही ठहरा में हैं। बताओ हमने गलत कही क्या? अब दरअसल में है क्या, अगर पार्क बनवा दिए तो पार्क क्या वो बना के बसपा सुप्रीमो अपने घर को ले गई? पार्क तो पूरे देश के और हर समाज के हर वर्ग के लोगन के काम आ रहे हैं। देखो नोएडा में जो पार्क बने हुए जमुना के बराबर में, वहाँ क्या हो बड़े बड़े झुंड खड़े। आज वहाँ बिल्कुल साफ सफाई, बिल्कुल व्यवस्था, चाक चौबंद है, बढ़िया है, लोग वहाँ घूमने जाएं, देखने जाएं, और वाते पूरे दलित समाज को बहुजन समाज को एक प्रेरणा मिले है। उनके जहन में की बात रही कि हाँ हम भी या देश के मूल निवासी हैं, तो यह में गलत क्या है? बताओ क्या गलत है? बस कैसे भी करके सवाल उठाने सवाल उठाने सवाल उठाने। अरे भाइयों तो देख लो कि काम कैसे करो है। काम वो आज भी पूरी दुनिया दिख रो है, पूरे देश है दिख रो है, सब लोगन को मालूम है, तो यहाँ पे तो सवाल मत उठाओ। यह में क्या बुराई है भाई? अगर यह में बुराई है
और अगर नहीं बुराई है तो कमेंट करके बताओ, ठीक है, ज़रूर बताओ, लोगों को मालूम होनी चाहिए, पूरे समाज को मालूम होनी चाहिए, ठीक है साहब। और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ठोकते रहो ठोकते रहो ठोकते रहो। नई वीडियो में फिर दोबारा मुलाकात होगी और कई विषय पे। देसी देख पिगर ब्रेक पिगर लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।